आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन से आई बड़ी खबर, लालू यादव और नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों को सांसद मनोज झा ने किया खारिज, बोले सब एकजुट हैं, मजबूती से लड़ेंगे। विपक्ष के अब तक 143 सांसद सस्पेंड, सोनिया गांधी ने संभाला मोर्चा, सरकार पर लगाया लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप। विपक्ष मुक्त संसद से 3 नए क्रिमिनल विधेयक लोकसभा में पास, बिना व्यापक बहस के बिल संसद से पास कराए। राजद्रोह कानून खत्म, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब में दावा, अग्निपथ योजना ने तीनों सेनाओं को चौंकाया, कांग्रेस बोली बिना चर्चा के स्कीम लाई सरकार। मजदूरों को इजराइल भेजने पर सीएम खट्टर का बयान, किसी को जबरन नहीं भेजेंगे इजराइल। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए थे सवाल, सरकार ने निकाली है 10,000 मजदूरों की वैकेंसी। ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन से एक बड़ी खबर सामने आई है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अलग अलग खबरों में लालू और नीतीश की नाराजगी की खबरें तैरने लगी, लेकिन आज सांसद मनोज झा ने लालू और नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों को खारिज किया और कहा मजबूती से लड़ेंगे। इसके साथ में मनोज झा ने बताया कि कल बैठक में क्या क्या अहम फैसले हुए और अंदर की बातें लालू और नीतीश को लेकर के क्या कुछ कह गए मनोज झा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन की बैठक में लालू नीतीश की नाराजगी की खबरें खूब चल रही थी। इस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस मामले में सच्चाई सामने आ चुकी है। लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरों का खंडन कर दिया गया है। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने लालू और नीतीश के इंडिया गठबंधन की बैठक से नाराज होकर जाने की बातों को खारिज कर दिया। मनोज झा ने पूछा कि भूत प्रेत आकर ये सब जानकारियां दे रहे हैं, कोई भी नाराज नहीं हुआ है। दरअसल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मंगलवार को बैठक हुई। इसमें इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहा गया कि इस बात से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों ही नाराज हो गए और वो गुस्से में बैठक से बाहर आए। मनोज झा ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कोई भी किसी से नाराज नहीं है, नाराजगी की खबरें सिर्फ अफवाह है। नीतीश कुमार प्रणेता है और उन्होंने गठबंधन की शुरुआत की थी। लालू यादव अभिभावक की भूमिका में है। RJD सांसद ने आगे कहा लालू ने निर्देश दिया है कि वक्त बहुत बीत गया है, अब सब कुछ समय के मुताबिक और टाइम बाउंड तय करना होगा। लालू जी की राजनीति को हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर रहना चाहिए, विलंब हो चुका है, वन सीट फॉर्मूला तय किया जाए, एक दूसरे के साथ बयान मत दीजिए, सभी बातों को सुना गया। और खड़गे ने भी कहा कि अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया था जैसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम पद के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा, वैसे ही लालू और नीतीश बैठक से उठकर चले गए थे। बहरहाल अफवाहों का बाजार गर्म है। गोदी मीडिया की ओर से आए दिन इंडिया अलायंस में नाराजगी की खबरें सामने आती रहती हैं, इसलिए खबरों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। संसद से लगातार विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन जारी है और आज भी दो सांसदों को सस्पेंड और किया गया। विपक्षी सांसदों के सस्पेंड होने की संख्या अब 143 पहुंच गई है। इसी बीच में सोनिया गांधी ने आज विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। आज संसद में क्या कुछ हुआ, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ गतिविधियां निकल करके सामने आई, जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में।
संसद में लगातार विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, जिसकी संख्या बढ़कर 143 हो गई है। अब सोनिया गांधी ने विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को लताड़ लगाई। सोनिया ने कहा, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है, इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया था, वो भी एक वाजिब मांग रखने के लिए। सोनिया ने कहा कि 13 दिसंबर को जो हुआ वो स्वीकार नहीं है और उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले पर देश को संबोधित करने में पीएम को 4 दिन लग गए, वो भी उन्होंने संसद के बाहर किया। ऐसा करके उन्होंने संसद की गरिमा के प्रति तिरस्कार और देश की जनता के प्रति अपनी उपेक्षा जाहिर की है। वहीं सोनिया ने जम्मू कश्मीर से जुड़े बिल पर अपनी बात रखी। सोनिया ने कहा, जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ अहम बिलों को पास किया गया जो लोग जवाहरलाल नेहरू जैसे महान देशभक्त को बदनाम करने के लिए इतिहास को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छिड़खानी करते हैं, वो लंबे समय से कैंपेन चला रहे हैं। इस कैंपेन की अगुवाई पीएम और होम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन हम डरने या झुकने वाले नहीं हैं, हम सच सामने लाते रहेंगे। साथ ही सोनिया गांधी ने 3 राज्यों के चुनावों में मिली हार पर कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों के नतीजे हमारी पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहे हैं। इन चुनावों में हमारे खराब प्रदर्शन के कारणों को समझने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले राउंड की समीक्षा शुरू कर दी है। इन समीक्षाओं से जो सबक मिलेंगे वो हम अपनाएंगे। इस समय हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, फिर भी मुझे यकीन है कि हमारे साहस और लगातार कोशिशों से हमें सफलता मिलेगी। बहरहाल, जब जब कांग्रेस को सोनिया गांधी की जरूरत पड़ती है, तब तब सोनिया आगे आकर पार्टी को संभालती है। इस बार भी सोनिया ने विपक्ष की आवाज को बुलंद किया है। अब देखना होगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों से पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक तरफ विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार अहम विधेयकों को पास करवा ले रही है, और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। संसद में विपक्षी सांसदों की संख्या नहीं बची है, लिहाजा सरकार उसका भरपूर फायदा उठा रही है। आज विपक्षी सांसदों की गैरहाजिरी में सरकार ने कौन कौन से विधेयक पास कराए और उनका क्या असर रहेगा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तीन नए क्रिमिनल विधेयक लोकसभा में पास हो गए हैं, अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसे पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा, अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, इसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे, वो कानून अब तक चलता रहा। पहली बार मोदी जी ने सरकार में आते ही ऐतिहासिक फैसला किया है, राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर इसे हटाने का काम किया है। मैंने उसे राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया है, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, ये उनका अधिकार है। अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है, बम धमाके करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसे आजाद रहने का हक नहीं, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसे अपनी समझ के कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने जो कहा उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, देश का विरोध करने वालों को जेल जाना होगा। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63-69 में रेप को रखा गया है, गैंग रेप को भी आगे रखा गया है, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। गैंग रेप के आरोपी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल का प्रावधान रखा गया है। 18, 16 और 12 साल की उम्र की बच्चियों से रेप में अलग अलग सजा मिलेगी। 18 से कम से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा, गैंग रेप के मामले में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा, 18 साल से कम की बच्ची के साथ रेप में फिर फांसी की सजा का प्रावधान रखा है।
सहमति से रेप में 15 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। अगर 18 साल की लड़की के साथ रेप करने पर नाबालिग रेप में आएगा। किडनैपिंग 359 था, अब 137 और 140 हुआ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 370 था, अब 143 144 हुआ है। खैर, बिना विपक्ष के 3 नए क्रिमिनल विधेयक लोकसभा में पास कराना कहां तक उचित है? क्या इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके अहम बिल पास कराए गए थे? ऐसे सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। अगर सच में सदन में सरकार अहम बिल पास करवाना चाहती थी तो उसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था, ताकि सरकार की नीयत पर कोई सवाल ना उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख MM नरवणे, उनकी किताब को लेकर के चर्चा है। MM नरवणे ने अपनी इस किताब में अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। MM नरवणे कह रहे हैं कि सरकार जब ये स्कीम लेकर के आई तो तीनों सेनाएं चौंक गई। क्या कुछ कहा है MM नरवणे ने और उनकी किताब में अग्निवीर को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक बार फिर से भारत सरकार की अग्निवीर योजना सवालों में है। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की एक किताब पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा दावा किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि सरकार की अग्निपथ योजना के ऐलान ने तीनों सेनाओं को चौंका दिया था। इस दावे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को नरवणे के दावे के बाद कहा, अग्निपथ योजना बिना किसी विचार विमर्श के लाई गई। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी किताब 4 Stars of Destiny में लिखा कि उन्होंने 2020 में PM मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इसमें अग्निवीरों की तरह ही जवानों को कुछ समय के लिए भर्ती करने का सुझाव दिया था, जो इंडियन आर्मी के लिए मान्य था। नरवणे ने लिखा, कुछ समय बाद प्रधानमंत्री कार्यालय अग्निपथ योजना लेकर आया। इसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना को भी शामिल किया गया। इस योजना ने आर्मी से ज्यादा वायुसेना और नौसेना को चौंकाया। नरवणे ने किताब में लिखा कि अग्निपथ योजना को लेकर बाद में कई बार चर्चा हुई। इसमें सेना ने 75 जवानों को सेवा में बनाए रखने और 25% को सेना से मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन जब जून 2022 में सेना की अग्निपथ योजना शुरू हुई तो सिर्फ 25% अग्निवीर को ही कार्यकाल के बाद 15 साल तक सेवा में रखने का फैसला लिया गया। नरवणे ने अपनी किताब में लिखा कि अग्निवीरों का वेतन ₹20,000 प्रति माह फाइनल किया गया था, लेकिन फिर सेना ने इनके वेतन में वृद्धि की सिफारिश की थी। सेना का मानना था कि अग्निवीर देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। सेना की सिफारिशों के बाद वेतन बढ़ाकर ₹30,000 किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, अग्निपथ योजना बिना किसी विचार विमर्श के लाई गई विनाशकारी नीति थी। नरवणे ने अपने किताब में इस बात को कंफर्म किया है। संसद के 141 निलंबित सांसदों की खबरों के बीच ये खबर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। जिस वक्त योजना को लागू किया गया था, तब से लेकर अब तक कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार गूंज रहे हैं। ऐसे में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। क्या सच में अग्निवीर योजना को लागू करने से पहले तीनों सेनाओं को विश्वास में नहीं लिया गया? क्या अग्निवीर योजना को सरकार जल्दबाजी में लेकर आई? कई सवाल हैं जो जस के तस बने हुए हैं, जिसका खामियाजा लाखों युवा भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत से इसराइल भेजे जा रहे हैं मजदूर, और इसी को लेकर के अब देश में राजनीति गर्म हो गई है। खास करके हरियाणा में सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ हरियाणा में सत्ता पक्ष ने 10,000 मजदूरों को इसराइल भेजने का फैसला लिया है, वहीं कांग्रेस के सांसद ने इसको लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्यों कांग्रेस के सांसद मजदूरों को इसराइल भेजने पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार इस पर क्या जवाब दे रही है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
हरियाणा में इन दिनों राज्य सरकार की एक भर्ती को लेकर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल खट्टर सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले 10,000 मजदूरों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा था, बीजेपी सरकार राज्य के लोगों को युद्धग्रस्त इलाके में झोंकना चाहती है। दीपेंद्र ने कहा था कि मनोहर सरकार के पास युवाओं को देने के लिए नौकरियां नहीं है और ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन आरोपों के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार हरियाणा के किसी भी शख्स को इजराइल जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही। उन्होंने कहा, ये लोगों की पसंद पर निर्भर है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। दीपेंद्र के इसी बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ऐसा नहीं है कि युद्ध कर रहे इसराइल में कोई नहीं रहता, पहले भी वहां विभिन्न देशों के लोग जाते थे और अब हमारे लोग जाएंगे, हमने सिर्फ लोगों को एक कानूनी चैनल प्रदान की है। गौरतलब है कि इसराइल का फिलिस्तीनी इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास के साथ युद्ध चल रहा है जो गाजा पट्टी से ऑपरेट होता है। इसराइल हमास के इस युद्ध की वजह से वहां की इमारतों और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। युद्ध की वजह से इसराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियां लेबर की कमी से जूझ रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ 90,000 फिलिस्तीनी लेबर काम करते थे। कंपनियों ने इन फिलिस्तीनियों की जगह भारत से 1,00,000 मजदूरों को काम करने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले इसराइल के निर्माण क्षेत्र की ओर से कहा गया कि सरकार ने उन 90,000 फिलिस्तीनियों के स्थान पर भारत से 1,00,000 श्रमिकों को काम पर रखने की कंपनियों को अनुमति देने के लिए कहा था, जिन्होंने इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से अपना वर्क परमिट खो दिया था। इसराइल निर्माण क्षेत्र इस समय श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है। इससे 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीनी श्रमिकों के लिए कार्य परमिट रद्द करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बहरहाल सरकार लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया करवाए ये अच्छी बात है, लेकिन भारत के लोगों की विदेश में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि मजदूरों की सुरक्षा में कोई कोताही ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह के तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।